आप लोग बहुत उत्सुक है कि हमारी उम्मीदवार कब आएंगे। आने वाले हैं, जरूर आने वाले हैं। चुनावी प्रचार में खुद गली गली घूमने वाला हूं। वो जल्दी आके गए इसका मतलब हम भी उनके पीछे भागे क्या? वक्त है चुनाव को, 20 तारीख को चुनाव है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मुमरा में वो जागृति आ गई है। लोग मुझे सवाल पूछ रहे हैं, कब आने वाली है, कब आने वाली है, कब आने वाली है। इतने दिन तो कोई पूछता भी नहीं था। वो आएगी, वो आपको मिलेगी। अरे वो मिले ना मिले, आपको वोट इंडिया आघाड़ी को देना है, इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के संसदीय लोकशाही को बचाना है। मुसलमानों के बारे में जो बोला जा रहा है वो इतना गंदा है, इतना गंदा है कि उसके लिए कोई शब्द नहीं है। इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहा है? कुछ कर रहा है? कुछ नहीं करेगा। तो हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। उम्मीदवार कौन है, क्या है, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। काम तो हम करवा के लेंगे ना, उम्मीदवार आप चुन के दो, काम हम करवाएंगे। और काम जितेंद्र आव्हाड कैसा करता है ये आपको बोलने की जरूरत है क्या? ये मुझे बताओ। अब कोई भी आके बोलेगा मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, जो जो उन्होंने बोला, हॉस्पिटल बन गया है, जो जो उन्होंने बोला सब मुमरा में हाजिर है। और उनके साथ वाले मुझे गाली देते रहते हैं, तो उनके गालियों से मुझे हिलता भी नहीं, मुझे मेरे नाम मुंह पे गुस्सा आता ना मुस्कान आती है। मुझे गाली देके कुछ होने वाला है क्या मुमरा में? तो भाइयों और बहनों मैं शांत रहो, वो आएगी, आप आपका काम करो। पहले वोटर हुआ है कि वोटर आदमी मेरे घपले घर के हुए कि नहीं सब वो देखो, वोटर कार्ड मंगाओ, मंगता है तो मुझे फोन करो, मेरा नंबर ले लो 9930000001। आपको वोटिंग को कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर के लिए, मैं हूं। लेकिन वोटिंग के लिए उतरना है। और जो भी उम्मीदवार मशाल के ऊपर खड़ा है, मशाल है हमारी निशानी, उद्धव ठाकरे की निशानी मशाल है, वो महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है वैशाली दरेकर, उसको वोट करना है। हम आएंगे, आपके घर घर तक पहुंचेंगे, मैं खुद आऊंगा। बिल्कुल मन में कुछ मत रखिए, हमको उसे जिताना है, बस ये दिल में रखे, हमको उसे जिताना है।